के क्राउन ज्वेल में काफी सुपरस्टार के साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है और रोमन ने इसकी वजह से WWE की TRP काफी ज्यादा डाउन जा रही है। तो गाइस एग्जैक्टली क्या कुछ हो रहा है अभी फिलहाल, चलो मैं एक एक करके बता दे रही हूँ। पता है आज मैं इतना वीडियो लेट क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैं शॉपिंग में गई थी दिवाली का शॉपिंग करने। प्लीज आज मैं बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। करंट टाइम में बोल सकते हो फिलहाल सबकी निगाहें एक ही चीज पे है कि 2 नवंबर को क्या होने वाला है। मैं बताऊँ आपको, HH ने बहुत बड़ा सरप्राइज प्लानिंग किया है, वो भी हम लोग को देखने को मिलेगा। देखना कोई सुपरस्टार का एंट्री भी होने वाला है। और अभी तक 7 मैच का अनाउंसमेंट हो चुका है कि ये सब मैच होने वाला है सऊदी अरेबिया में। सोचो ना कितना मजा आता होगा लाइव देखने में। यार गाइस मेरी दिल की तमन्ना है कि मैं सऊदी अरेबिया में बैठ के एक बार WWE लाइव देखूं। वैसे इस बार के क्राउन ज्वेल में कौन किसको धोखा देने वाला है, चलो मैं आपको एक एक करके बता दे रही हूं। सबसे पहले तो विमेंस डिवीजन में तहलका मचने वाला है, क्योंकि टिफनी शैटन कैश इन करने वाली है नाया जैक्स के ऊपर अपना मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस। और आप देख रहे थे ना, बहुत टाइम से हमें देखने को मिल रहा था कि नाया जैक्स और टिफनी का बॉन्ड काफी अच्छा ही चल रहा है। बट मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बता रही हूँ कि इस बार के क्राउन ज्वेल में 90% चांसेस है कि वो टिफनी शैटन नाया जैक्स को धोखा देने वाली है। और नाया जैक्स का सोचो ना, उनका फेस देखने लायक होगा। वैसे गाइस वुमेन्स डिवीजन में अगर मुझे सबसे ज्यादा कोई डेंजरस लगता है तो वो नाया जैक्स ही है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो रैंडी ऑर्टन बहुत बड़ा कदम उठाने वाले क्राउन ज्वेल में, यानी कि रैंडी ऑर्टन का तो अलग ही गेम प्लान चल रहा है। आपको पता है ना WWE में सबसे पहले कौन सा मैच का अनाउंसमेंट हुआ था, वो हुआ था कॉडी वर्सेस गुंथर का। तो इस मैच को लेके ये प्रेडिक्शन बताया जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन आएंगे, वो कॉडी रोड्स पे अटैक करने वाले हैं। फिलहाल आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा कि कॉडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का हमें कितना क्यूट बॉन्ड देखने को मिला है। पता है मैं काफी टाइम से वेट कर रही थी कि रैंडी ऑर्टन अपना रियल फेस दिखाए कॉडी रोड्स को, क्योंकि वो काफी छुप छुप के खेल रहे थे। केविन ओवेंस अपना रियलिटी दिखा चुके हैं और रैंडी ऑर्टन क्राउन ज्वेल में दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग मैच के बारे में, जो कि पर्सनली मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस बार ये मैच देखने के लिए। तो ये मैच जो है वो सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉशन रीड के बीच मैच होगा। पता है इस मैच में क्या आपको देखने को मिलेगा एंडिंग में? सेथ रॉलिंस 110% हारने वाले हैं, ब्रॉशन रीड उन्हें हराएंगे। यार आप ब्रॉशन रीड का बॉडी देखिए, जितना मोटा है वो उतना ज्यादा उसका मसल भी है। पर्सनली बोल रही हूँ, मुझे सेथ रॉलिंस उनके सामने बच्चे लगते हैं। जैसे सेथ रॉलिंस पावरफुल है बट उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं लास्ट मैच, जो कि 6-man टैग टीम मैच होने वाला है, जिसमें रोमन रिंग्स भी रहेंगे। तो इस मैच में ये बताया जा रहा है सैमी जेन का सबसे बड़ा रोल रहने वाला है। या तो सैमी जेन रोमन इसके साइड आ सकते हैं या फिर धोखा देंगे। बट गाइस मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली क्या होने वाला है। इन लोगों का मैच होगा ना, तो बीच में सैमी जेन आ जाएंगे और सैमी जेन आते ही रोमन रिंग्स और दियोसोस को लास्ट में डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो मैच हार जाएंगे। और आप लोग बोल सकते हो इसका ही फायदा उठा के शोलो शिकवा बंदर जीत जाने वाला है। और पता है इस बार जो रॉ हुआ था ना क्राउन ज्वेल के पहले, उसका व्यूअरशिप काफी ज्यादा डाउन गया। ऐसा बताया जा रहा है कि रोमन रिंग्स को लेके कोई एक्साइटमेंट लगी नहीं रहा है फैंस को, इसलिए वो देख ही नहीं रहे उतना ज्यादा रॉ, जिसके वजह से क्यूआरशिप डाउन जा रहा है। वैसे गाइस क्यूआरशिप का तो नहीं पता, बट मुझे काफी अच्छा लगा था इस बार का रॉ, स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा ही धमाकेदार था। बट गाइस देखते हैं, मुझे नहीं लगता है कि रोमन रिंग्स की वजह से ये सब हो रहा है। मुझे लग रहा है कि शोलो शिकवा बंदर या ब्लड लाइन में कोई न्यू स्टोरी लाइन नहीं आया था, इसके वजह से ये सब हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन जरूर बताना। और गाइस हां मैं बोल रही हूं, कल दिवाली है, बाय द वे हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। अच्छे से पटाखे चलाना और सेफ रहना। बाय बाय, टेक केयर।